हे गेमिंग नर्ड्स, अपने फोन से चिपके हुए गेमिंग के कीड़ों, तुमको पता चल चुका है जैसे कि अपने देश में पबजी बैन हो गया। फाइनली एक ही गेम बार 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 खेल के थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है। तो जब तक अपनी बॉर्डर सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती, हियर आर सम ऑफ द गेम्स दैट वी लाइक टू प्ले। इनमें से कुछ गेम्स हैं जो हम लोगों को पसंद है, एंड वी आर हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट फॉर यू, सो लेट्स गो राइट इनटू इट। पबजी की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी चीज़ क्या थी? कोई भी तुम्हें शिकार बना सकता है किसी भी समय। एक टेंशन का माहौल जो पूरे टाइम बना रहता था, एक उसी की तरीके का एक गेम है। इस गेम में बेसिकली होता यह है कि एक भूत या एक डीमन टाइप का इंसान रहता है जो कि चार प्लेयर्स को पकड़ने की कोशिश करता है। तुम्हें उस डीमन के चंगुल से बचना पड़ेगा। ये मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है और ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा टेंशन तुम्हें कोई और गेम शायद ही दे पाए। ऑलराइट, द नेक्स्ट गेम है फोर्टनाइट। आप सबने पबजी तो खेल ही लिया है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, काफी बहुत फेमस गेम है। इसके अंदर बस यही है कि आपको सामने वाली टीम को खत्म करना है, बट एवरी प्लेयर हैज ए स्पेशल पावर एंड यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एंड डीकंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड समथिंग। स्किल बहुत चाहिए इस गेम में और बहुत तगड़ा गेम है ये। यूएस में बहुत चलता है गेम बहुत तगड़ा है, इसके ग्राफिक्स बहुत तगड़े हैं। ऑफकोर्स मैं अवेंजर्स के फैंस के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है, यू कैन प्ले एज एनी अवेंजर यू वॉन्ट, आयरन मैन, नेम इट हल्क, इवन थैनोस विद द ग्लव, यू कैन प्ले दैट इस गेम के अंदर। क्लैश ऑफ क्लैंस, इस गेम के बारे में मैं क्या बोलूं। इस गेम को मैं इतना खेलता था, दिन रात 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 दिन, सेमेस्टर ब्रेक सब कुछ इस गेम के पीछे बिगाड़ दिया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि दिस गेम पर बहुत एडिक्टिव लूप है। अगर आपने इसमें एक फ्रेंड्स के साथ में एक क्लैन बना लिया है एंड देन यू आर प्लेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट विल रियली हुक यू अप। रियली प्रोग्रेशन का एक फील आता है इसके अंदर कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका एम्पायर बन रहा है। एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी आप इसके साथ खेल रहे हो और आप लोग एक क्लैन बना के खेलते हो। इट्स अ गुड गेम टू एक्सप्लोर, यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो भैया PS2 के जमाने से तो वैसे तो काफी लोग होंगे, बट स्टिल जो लोग पबजी से गेमिंग चालू किए, मैं उनको बता दूं कि अपने आप को गेमर्स बोलना बंद कर दो अगर तुमने GTA San Andreas नहीं खेला है तो। मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे गिरना है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना है? क्या तुम्हें बाइक चलानी है? क्या तुम्हें साइकिल चलानी है? यू कैन ऑल्सो प्ले गैंग वॉर्स। क्या तुम्हें गंजे से पैसे दे के बाल बड़े करवाने हैं, अपने ड्रेसेस चेंज करवानी है, ओपन वर्ल्ड में घूमना है, जिसकी चाहे गाड़ी चलानी है, जिसको चाहे मारना है, जो चाहो, पूरे सैन एंड्रियास सिटी तुम्हारी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। ओके, पबजी में रिसेंटली कुछ ऐसे लेवल्स आने लगे थे जहाँ पे तुम्हें पजल सॉल्व करनी है, फिर एक मम्मी आएगी वह करके और तुम उसको मारोगे, और कुछ पजल सॉल्व करके तुम्हें फील आएगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा IQ तो 370 हो चुका है भैया। नेक्स्ट लेवल की पजल सॉल्विंग इस गेम के अंदर है। तुम्हारे पूरे गेम के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। एक टाइम पे तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इसकी ये प्लेटफॉर्मिंग गेम है, पर नहीं, वो प्लेटफॉर्मिंग गेम नहीं है, वो एक पजल सॉल्विंग गेम है। उसके हर मूव का एक सही में भाई, अगर ये गेम खेल रहे हो ये, दिस इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल पजल सॉल्विंग गेम दैट विल रियली हुक यू अप एंड इट विल रियली रियली ब्रिंग योर एप्टीट्यूड टू अ नेक्स्ट लेवल। ट्राई दिस गेम। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है स्टार कॉम्बैट। ये स्टार वॉर्स तो जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे शायद ही उन्होंने पुरानी कोई स्टार वॉर्स देखी होगी, बट यू मस्ट चेक दिस गेम आउट। ये इंटरगैलेक्टिक स्पेसशिप वॉर टाइप का गेम है जिसके अंदर यू ड्राइव अ प्लेन इन द स्पेस, और बहुत तगड़ा गेम है ये। इसके ग्राफिक्स अल्टीमेट है, बस इसका ये है कि साइज थोड़ा सा बड़ा है, बट इट्स अ फ्री गेम, यू कैन डाउनलोड इट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर स्टार शो स्टॉपर गेम, लेट्स हैव सम ऑनरेबल मेंशंस, क्योंकि हमने बहुत बड़ी लिस्ट डिस्कस करी थी एंड सम ऑफ द गेम्स डू डिजर्व सम रिस्पेक्ट, सो लेट्स चेक इट आउट। सो फर्स्ट गेम इज पॉकेट टैंक्स। इट्स अ वेरी ओल्ड PC गेम जो कि आपने कभी पहले खेला हो सकता है। दो टू प्लेयर्स में अमेजिंग गेम है, बहुत फन कॉम्बोज है, बहुत फन मैकेनिक्स है, और तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा इस गेम को खेलने के लिए। काफ़ी लाइक लिटरली एक फ्रेंड्स के सेशन में तुम लोट पोट के हंस सकते हो एंड कई बार टेक्निकल भी हो सकता है। सो इट्स अ वेरी क्रिस्प कॉम्बिनेशन ऑफ फन, ट्राई दिस आउट। एक डिटेक्टिव, न्यूयॉर्क
का डिटेक्टिव जो कि अपनी जिसकी वाइफ और बच्चे उसके सामने मर्डर हो जाते हैं, वो पूरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है एंड टू एंड। और एक सुपर मैकेनिज्म जो कि टाइम लैप से एक ब्यूटीफुल थर्ड पर्सन क्लासिक थर्ड पर्सन शूटर विच इज़ कम टू एंड्रॉयड, डू चेक इट आउट, इट्स रियली बेस्ट आई हैव एवर 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 प्लेड, डू चेक इट आउट। और हम आ गए हैं अपने आखिरी गेम पे इस लिस्ट के। मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने कभी डेविल मे क्राई सीरीज खेल रखी है, इवन 4 और 5 जो भी लेटेस्ट में आए थे, और डार्क सोल्स खेल रखा है, कोई भी थर्ड पर्सन हैक एंड स्लैश गेम खेल रखा है, पास्कल्स वेजर इज अ गेम दैट हैज मोर देन 20 आवर्स ऑफ गेम प्ले एंड मोर देन 12 टू 15 बॉस फाइट्स, अगर आप उसके स्पेशल स्टेजेस भी ढूंढो तो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गेम्स ऑन एंड्रॉयड, बेस्ट लुकिंग गेम्स। इसका एक्सपीरियंस खेलने के बाद इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज़ अ मस्ट 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 ट्राई। ओके गाइज, वी हैव स्टार्टेड अवर गेमिंग सेगमेंट ऑन दिस चैनल एंड वील बी रेगुलरली पोस्टिंग गेमिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल। इफ यू वॉन्ट टू विन अस एक्सबॉक्स गेम पास और अ गेम ऑफ योर चॉइस ऑन गूगल प्ले स्टोर, just what you have to do is click this subscribe button and leave in the comment what game you feel is missing from this list and we will get back to the winner by 15th of the month on your personal email.